ये मैं रात के बर्तन साफ कर रही हूँ क्योंकि रात पीयू की तबीयत खराब हो गई थी, उसको फीवर हो गया था। तो फिर रात को ही हम डॉक्टर के यहाँ लेकर गए थे और फिर आकर उसको दवाई दी। तो पीयू के बोलने लगी, मम्मा मेरे पास ही लेट जाओ, तो बच्चे ज़रूरी हैं, काम तो फिर भी होता रहेगा। डिनर हो गया था तो मैंने सारे बर्तन खाली करके सिंक में रख दिए थे पानी डालकर, और रात को पीयू अच्छे से सो भी नहीं पाई थी और मुझे भी नींद नहीं आई क्योंकि बच्चों को कुछ भी हो जाता है तो किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता और नींद तो उड़ी जाती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, रात फीवर हो गया था एकदम से ही, और फिर डॉक्टर को भी दिखा के लाए थे, बट अभी जब बिल्कुल ठीक नहीं है, कुछ थोड़ा सा ही लगा है कि थोड़ा सा आराम है। पीयू, आपको अच्छा लग रहा है बेटे? अभी थोड़ा सा ही है, अच्छे से ज़्यादा बेटर फील नहीं हो रहा अभी आपको? ओके, हेलो बोलो, पूछो कैसे हैं आप। हाँ, तो और बच्चों को कुछ हो जाता है तो काम में मन नहीं लगता है। मैं अभी फोन देख रहा था, मैं अभी वीडियो बनाती हूँ, आपको फोन थोड़ा दिखा के तेज बताऊँ। बोलो बेटे, थोड़ा तेज बोलो। अच्छा, मैं आपको फोन देखते देखते अपने आप को भी दिखाऊँ, दिखाऊंगा तो दिखाऊंगा। फिर रात भी डॉक्टर के दिखा कर फिर दवाई दी थी तो थोड़ा सा आराम हुआ था, और सुबह भी फिर दवाई दी है, तो देखते हैं अगर नहीं हुआ तो फिर से दिखाना पड़ेगा। क्या कर रहे हो आप? मैं तो फोन देखी। अच्छा, बाय। चलो ठीक है। बर्तन करने के बाद मैंने पूरा किचन साफ़ किया क्योंकि रात को मैं कर नहीं पाई थी और पीयू बहुत लेट सोई थी। तो फिर अब सुबह उठी, जल्दी उठ गई थी वो सुबह भी, तो रोज़ सोच कर हंसते हंसते उठती है, आज रोते हुए उठी, उसे अच्छा नहीं लग रहा है। और मैंने फिर अब झाड़ू लगा रही हूँ, और देवांश के दयारे जी आज जाएंगे मार्केट, उनको सामान लाना है, तो इसलिए वो थोड़ा सा मुझे जल्दी करना था, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि फिर पीहू ने उठकर कुछ भी नहीं खाया ना, वो तो दूध तो पीती नहीं है, और जो थोड़ी सी चाय भी पीती है वो भी नहीं पी आज। और तो फिर मैंने उसके लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई, और फिर उसको दवाई भी देनी थी, अगर खाएगी नहीं तो फिर दवाई कैसे लगेगी उसको, तो फिर दवाई दी उसको। फिर और काम किया मैंने, झाड़ू लगाने के बाद नाश्ता बनाना है मुझे। हाय गाइस, मैं ट्यूशन से आ चुका हूँ और मुझे ट्यूशन में बहुत अच्छा भी लगा, मुझे ट्यूशन में बहुत मज़े भी आए क्योंकि मुझे काम में बहुत अच्छा लगता है। और मुझे आज सबसे ज़्यादा तो मैथ में मज़े आए क्योंकि मैथ में तो मेरे फेवरेट काम मिला था मुझे, और हिंदी में भी अच्छा, जो कि मुझे आता है वो बहुत ईजी है, मुझे भी आता है। मुझे सबसे ज़्यादा ईजी मैथ में सम करना अच्छा सम करना लगता है। अच्छा लगता है, अच्छा, और हिंदी में एकवचन और बहुवचन ये भी मुझे अच्छा लगता है। और और आप वो बॉडी पार्ट्स भी आए थे? आज आज तो बॉडी पार्ट्स ही आए, मेरा आज इंग्लिश का होमवर्क वहाँ का हो नहीं पाया इंग्लिश का, क्योंकि मेरे मेरे डैड मुझे सब पहले लेने आ गए और इसकी वजह से मेरी इंग्लिश का नहीं हुआ। और मैथ के दो सवाल रह गए जो मेरे फेवरेट वाले जो कि सबसे नीचे थे, और एक तो मैंने आधा कर लिया पर लेकिन दूसरा तो पूरा ही रह गया था। अच्छा तो फ्रेंड्स, चलो, मुझे ऐसे अच्छा लगा पर लेकिन बुरा भी लगा क्योंकि मेरी बहन को भी अब फीवर हो गया है, मुझे उसके लिए भी बुरा लग रहा है। और मेरी ठीक है, अब तो फिर ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे कुछ दिन में, तो मुझे तो स्कूल जाना है। स्कूल भी अभी अभी बेटे अभी तो खुलेंगे नहीं, पता नहीं कब तक खुलेंगे। फ्रेंड्स, अब आप घर में रहकर बोर हो गए? मैसेज आया था स्कूल में से कि अभी थोड़े दिनों में खुलने ही वाले हैं, अगर खुलेंगे तो अच्छा है और अगर नहीं खुलेंगे तो ऑनलाइन क्लास चला देंगे। और क्या बेटे, पढ़ाई तो करनी ही पड़ती है, और पीओ का तो आज चेहरा भी बिल्कुल उतर सा रहा है।
बहुत ही अजीब लग रहा है पीयू को देख कर तो आज, पर चलो कोई बात नहीं, दवाई खाएगी तो ठीक हो जाएगा, आराम लगेगा। पर लेकिन दवाई में एक और प्रॉब्लम है, वह जैसे हम दवाई कोई जैसे हम दवाई खाते हैं ना, तो हमारा कुछ खाना कम भी हो जाता है। हाँ बेटे, क्योंकि गर्म दवाई होती है, गर्म वो खाए, वैसे गर्म दवाई होएंगी तो सबका खाना कम, लीवर को इफेक्ट करते हैं बेटे एकदम से दवाई, तो फिर खाना बंद हो जाता है। गाइस मेरा मैं कोविड भी इतना हो रहा है कि धीरे धीरे हमारी दुनिया में से लोग कम हो रहे हैं, और ये पता नहीं ये कोविड किधर से आया है, मुझे भी ऐसे अच्छा नहीं लगता कि ये कोविड आ रहा है और सब और ये सब की जान ले रहा है, ऐसे ही अच्छा नहीं होता। और वो अभी तो बताइए, आप बता रहे थे रात बड़ी मम्मी को फ़ोन पर कि हाथ नहीं मिलाना और हाँ छूने। ये सही कहते हैं कि टीवी वाले कि हाथ हाथ मत हेलो मत कीजिए, बस नमस्ते कर दीजिए दूर से, लड़के हो या लड़की हो नमस्ते ही करना, ना पैर छुओ। अब तो बहुत समझदार है, चलो ठीक है बाय करो। बाय फ्रेंड्स। सो गाइस अब बज गए हैं शाम के 7, तो अब हम कर लेते हैं अपनी डिनर की तैयारी। और आज हम डिनर में बना रहे हैं सांभर, और इसमें आज मेरी हेल्प कर रहे हैं मान साहब, मीन्स देवांश के डैडी जी। तो और मैंने अरहर की दाल बॉयल कर ली है, और जो भी प्याज टमाटर हरी मिर्च जो भी कट करना और चॉप करना है वो सब मान साहब ने किया है। तो चलिए बना लेते हैं हम अपना डिनर। और ये मैंने राई और ये 4 लाल मिर्च हैं, ये चॉप किया हुआ प्याज टमाटर और इमली का पानी, और ये मिक्स सब्जी। ये मैंने कढ़ाई ली है और उसमें ऑयल डाला है, और फिर उसमें राई लाल मिर्च, और जब वो चटक गई फिर उसमें मैंने प्याज डाली है जो चॉप कर रखी है। अब हम अपनी प्याज को फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सी ब्राउन हो जाएगी, ये ब्राउन होने के बाद जब प्याज ब्राउन हो जाए तब अब इसमें हम टमाटर डाल लेंगे और टमाटर को भी फ्राई करेंगे। और प्याज टमाटर अच्छे से फ्राई हो गए, और अब हम इसमें हल्दी नमक धनिया पाउडर ये डालकर मिक्स कर लेंगे, और ये मैंने थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर दिया है। और सब्जी हम तब डालेंगे जब ग्रेवी में बबल्स आ जाएंगे। देखिए ग्रेवी का कलर भी कितना अच्छा लग रहा है। और मैंने 2 हरी मिर्च ये कट करके मैं डाल रही हूँ, और आप कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं जो भी आपकी फेवरेट हो, जो भी आपको पसंद हो। मैंने जो सब्जी ऐड की है वो शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स, फूल गोभी, बैंगन और लौकी, ये सब मिक्स की है मैंने। और अब हम इनको थोड़ी देर ढककर रख देंगे, क्योंकि थोड़ा जल्दी बन जाती है ढककर भाप में, तो इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए ढककर रख दिया है। सांभर के साथ हम बना रहे हैं चावल, तो मैंने ये 2 चम्मच घी डालकर अब रख दिए हैं चावल बनने के लिए। अब सांभर भी देख लेते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा पकने में, 5 से 7 मिनट तो लग जाएंगे, और तब तक हम बना लेते हैं अपना आटा, क्योंकि देवांश के डैडी जी राइस के साथ रोटी ज़रूर खाते हैं, 1 खाई या 2 खाई पर खाते ज़रूर हैं। और हमारा सांभर लगभग रेडी है, आटा भी बन गया है। अब हम दाल ऐड कर देते हैं और मिक्स कर लेंगे इसको, थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपको थोड़ा पतला चाहिए थोड़ा सा टाइट तो वो आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। अभी और हम सांभर को थोड़ा सा और पका लेंगे, क्योंकि हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है इसमें। अब हम इसमें डाल देते हैं सांभर मसाला और कड़ी पत्ता, ये मिक्स करने के बाद 5 से 7 मिनट हम इसको और पका लेंगे,
तो ये अच्छे से रेडी हो जाएगा और 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, तो हमारा सांभर बनकर रेडी है। अब हम बना लेते हैं रोटी। सो गाइज, डिनर हमारा बिल्कुल बनकर रेडी है और आप भी खाइए, अपनी फैमिली को भी खिलाइए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।